Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 13th May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from National Segment and it is titled Atmanirbhar Bharat Abhiyan, that was announced by Prime Minister Modi in his yesterday's address to the nation, and this has been the front news for almost all the newspapers today. Yahan aap dekh sakte hain ki maine snapshot lagaya hai of Assam Tribune as well as the Indian Express as well as the Hindu. Sare ke sare newspapers ne apne front page pe isi topic ko cover. So today this is going to be the most important topic. So dekhte hain ye kya hai, Atmanirbhar Bharat Abhiyan. This is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So देखते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है. आप सबको पता होगा दैट येस्टरडे प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस द नेशन एट 8 PM, और जो उनके एड्रेस के इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स थे, जो हाइलाइट्स थे, उनको यहाँ पहले देखते हैं. ही हिंटेड एट लॉकडाउन 4.0. तो उन्होंने अपने स्पीच के दरमियान एक बार ये टर्म इस्तेमाल जरूर किया दैट लॉकडाउन 4.0 विल बी देयर आफ्टर 17th मे. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल्कुल अलग तरीके का होगा, बिल्कुल नए रंग का होगा. लेकिन लॉकडाउन 4.0 कैसा होगा, उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगे, वो अभी तक शेयर नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में इसको लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, द मोडलिटीज़ ऑफ लॉकडाउन 4.0. उसके अलावा इन्होंने कहा कि जो कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया भर में क्राइसिस आया है, इससे एक बात तो पता चल गई है हमें दैट वी एज ए कंट्री नीड टू बिकम सेल्फ रिलायबल. हमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे हालात में आप देख सकते हैं पूरा सप्लाई चेन टूट चुका है और हम किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंड नहीं हो सकते अपनी ज़रूरतों को मीट करने के लिए. अगर ऐसे हालात फ्यूचर में भी डेवलप होते हैं तो उस टाइम में अपने आप को अगर हमें स्टेबल रखना है तो हमें खुद ही सेल्फ रिलायबल होना होगा, सेल्फ सफिशिएंट होना होगा. तीसरी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि हमें क्राइसिस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है. ये जो अभी का सिचुएशन है ये क्राइसिस है, लेकिन इसमें भी हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि देखो ये कोविड-19 आउटब्रेक से पहले इंडिया के अंदर नेग्लिजिबल नंबर्स में प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट्स बनते थे, मास्क भी बहुत नेग्लिजिबल नंबर में बनते थे, N95 मास्क कभी काफ़ी कम नंबर में बनते थे. लेकिन जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, जब से कोविड-19 क्राइसिस स्टार्ट हुआ खासकर इंडिया के अंदर, उसके बाद से इंडिया ने इस फील्ड में काफ़ी प्रोग्रेस किया है और आज के डेट में इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन 2 लाख PPE पर डे, प्लस इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूसेस मोर देन 2 लाख मास्क पर डे. तो इस तरह का डेवलपमेंट हम बाकी सारे फील्ड्स में भी कर सकते हैं. ये क्राइसिस का सिचुएशन है और इसको हमें सीज करना है, और हम जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है पूरे दुनिया भर के लिए हम सप्लायर बन सकते हैं रादर दैन डिपेंडिंग ऑन द अदर्स. जो चौथी बात उन्होंने कही दैट इंडिया नीड्स टू मेक अ मेजर रिफॉर्म, इंडिया नीड्स टू ब्रिंग अ मेजर इनिशिएटिव फॉर रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर लॉकडाउन. तो लॉकडाउन के कारण इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा सेटबैक लगा है, और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक मेजर इनिशिएटिव लिया जाएगा जिसका नाम उन्होंने दिया है आत्मनिर्भर भारत अभियान. तो क्या है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसको जरा सा देखते हैं. एज आई सेड द ऑब्जेक्टिव इज टू रिवाइव द इकोनॉमी आफ्टर लॉकडाउन एंड मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट. तो रादर देन डिपेंडिंग ऑन एनी अदर कंट्री, हमें खुद ही डिपेंड सेल्फ रिलायबल होना होगा. जो हमारी ज़रूरतें हैं उसे हमें खुद ही पूरा करना होगा. वी हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी. ये जो क्राइसिस का टाइम है, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी. पूरी दुनिया भर का जो सप्लाई चेन है वो टूट चुका है. जो भी मेजर सप्लायर थे हमारे देश के या ग्लोबल लेवल पे, वो सब आज के टाइम में शटडाउन फेस कर रहे हैं, और ऐसे हालात में हमारे यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इमर्ज होने के अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और इस अपॉर्चुनिटीज़ को हमें कैश करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बस बता रहा हूँ कि
कॉटन के कपड़े हम इंपोर्ट करके पहनते हैं, लेकिन आज के टाइम में सप्लाई चेन टूटा हुआ है, वो एक्सपोर्टर्स हमारे देश में अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने कॉटन प्रोडक्ट्स। तो ऐसे हालात में हमारे यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इमर्ज हो सकते हैं कॉटन के फील्ड में, सिल्क के फील्ड में, वो अल्टरनेटिव हम प्रोवाइड कर सकते हैं खादी के फील्ड में, जिससे हम लोग जो ग्लोबल जो सप्लायर्स थे उनका स्पेस हमारे यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स ले सके। तो ये एक मौका भी है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब ग्लोबल सप्लाई चेन टूटा हुआ है तो कम से कम हमारे देश में जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतना ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पे जो ग्लोबल इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे थे, अगर उसको हमने स्लोली डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, इंडिजीनस प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और वैसे भी ग्लोबल सप्लाई चेन टूटा हुआ, उसको रिवाइव होने में वक्त लगेगा, तो क्यों ना हम अपने लोकल ब्रांड को प्रमोट करें। सो द ऑब्जेक्टिव इज, द फोकस इज टू प्रमोट द लोकल ब्रांड। एज ए सिटीजन वी नीड जस्ट नॉट टू यूज लोकल ब्रांड बट टू प्रमोट लोकल ब्रांड्स ऑल्सो। हमें खाली लोकल ब्रांड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें लोकल ब्रांड्स को प्रमोट भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैकडी का बर्गर आप खाते हैं, तो क्यों ना उसके जगह पे आप लोकल किसी बर्गर का बनाने वाली कंपनी के बर्गर को आप प्रमोट करें, उसके टेस्ट को आप उसको फीडबैक भी दें कि वो एक बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सके, साथ ही साथ आप उसको बस कंज्यूम ना करें, बींग एन इंडियन सिटीजन आप उसको प्रमोट भी करें। और इसी दरमियान प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है, एक स्लोगन दिया है, वोकल फॉर लोकल। तो हमें वोकल होने की ज़रूरत है अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए, हमें लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करना है और हमें अपने लोकल प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट भी करना है, उनको प्रमोट भी करना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, दैट द मॉडलिटीज ऑफ दिस इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर भारत अभियान इनिशिएटिव, हैज नॉट बीन अनाउंस्ड, कि एग्जैक्टली किस किस सेक्टर में किस किस तरह से इन्वेस्टमेंट होगा, क्या क्या नई स्कीम्स होंगी, वो अभी तक अनाउंस नहीं किया प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने बस आउटलाइन दिया है कल के अपने इस एड्रेस में, फिर उन्होंने कहा कि जो डिटेल में इनकी मॉडलिटीज ऑफ दिस इनिशिएटिव विल बी डिस्कस्ड, विल बी एक्सप्लेन्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी इन कमिंग डेज। और आज के डेट में आपको पता ही होगा, जब मैं ये न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने फर्स्ट लेग ऑफ अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दिया है, तो जिसको हम कल अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल में कवर करेंगे। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि आने वाले दिनों में कई सारे इनिशिएटिव्स अभी भारत सरकार अनाउंस करेगी अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया, दैट देर आर फाइव पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंस। आप इसको एज इट इज रट डालें, एग्जाम में आप इसको लिखेंगे, आपको नंबर भी लेंगे। मेंशन दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट देर आर फाइव पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंस। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स इकोनॉमी। जब तक हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथ नहीं होगी, हम सेल्फ रिलायबल नहीं हो सकते, हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। और उन्होंने इसमें यह भी कहा है, इस स्टेटमेंट को भी ध्यान रखेंगे, दैट अब हमें इंक्रीमेंटल चेंज की जरूरत नहीं, हमें क्वांटम जंप की जरूरत है। अब पूरे दुनिया भर में जब सारी इकोनॉमी अभी स्लो डाउन फेस कर रही है, ग्लोबल सप्लाई चेन टूटा हुआ है, इस मौके का इस्तेमाल करके हमें एक लीप लगाने की जरूरत है, क्वांटम जंप लेने की जरूरत है, और ये मौका है, हमें इसको सीज करना है। जो दूसरा पिलर है सेल्फ रिलायंस का, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा उन्होंने कहा सिस्टम, गुड सिस्टम, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सिस्टम से हमें ज़्यादा फायदा होगा। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया जैम ट्रिनिटी का कल अपने एड्रेस में। उन्होंने कहा कि देखो, आज के डेट में जब पूरे दुनिया इंडिया भर में लॉकडाउन है, सरकारी ऑफिसेज नहीं चल रहे हैं, फिर भी जब भारत सरकार ने पैसे डाले गरीबों के अकाउंट में, तो वो पैसा गरीबों के अकाउंट में पहुँच गया थ्रू जनधन अकाउंट एंड मोबाइल ट्रिनिटी। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के सिस्टम से ही, टेक्नोलॉजी की मदद से ही पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। पहले कैसा होता था, द सिस्टम वॉज ह्यूमन ड्रिवन, कई सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे, उनके यहाँ से पेपर फाइल पास होती थी, तब जाकर के बेनिफिशरीज को, गरीब लोगों को उनका हक मिलता था, उनका जो बेनिफिट का पैसा मिलता था। लेकिन अब हमने इस सिस्टम को रिप्लेस करके टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन कर दिया, अब डायरेक्टली गरीब लोगों को पैसा डायरेक्ट मिल जाता, तो इस कारण से करप्शन नहीं होता, लीकेज नहीं होता। और प्रधानमंत्री मोदी ने इंसिस्ट किया कि अगर हमें सेल्फ रिलायबल होना है, आत्मनिर्भर होना है, तो हमें और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सिस्टम बनाना होगा। इससे कैसा होता है, जब ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है तो उसमें करप्शन के चांसेस होते हैं, जब टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सिस्टम होता है तो करप्शन के चांसेस कम होते हैं।
चौथा पिलर फॉर सेल्फ रिलायंस इज डेमोग्राफी। हमारी यहाँ की जो डेमोग्राफी, हमारा जो पॉपुलेशन है वो हमारा स्ट्रेंथ है। हम अपने आप में दुनिया भर का 1/6 पॉपुलेशन है हमारे, यानी कि पूरे दुनिया भर का 1/6 डिमांड हमारे देश के अंदर खुद ही है। और उस डेमोग्राफी के अंदर हमारा डिमांड भी है, तो इकोनॉमी को हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे। उसके अलावा हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, इसलिए हम पूरे इंडिया भर में कंसेंसस बना के चलते हैं। सो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इज़ आवर स्ट्रेंथ फॉर सेल्फ रिलायंस। उसके अलावा डिमांड, ऑफ कोर्स द ह्यूज पॉपुलेशन, दैट मींस इंडिया हैज़ ह्यूज डिमांड एंड इंडिया इज सेल्फ सस्टेनेबल, इंडिया कैन डिपेंड ऑन इटसेल्फ। क्योंकि देखो, इकोनॉमी के दो व्हील्स होते हैं, एक होता है सप्लाई साइड, दूसरा होता है डिमांड साइड। और पूरे दुनिया भर का 1/6 डिमांड तो हमारे देश के अंदर खुद ही है, तो हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाते हैं बाई द आवर ओन डिमांड्स। अगर हम अपने देश में खुद ही सप्लाई करने लगे, हम अपने देश में खुद ही मैन्युफैक्चर करने लगे, तो सप्लाई और डिमांड दोनों ही हमारी कंट्री में मीट हो जाएगा एंड वी कैन बिकम सेल्फ रिलायबल। तो अब जरा सा देखते हैं बजटरी एलोकेशन के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसके लिए ओवरऑल इकोनॉमिक पैकेज या बजटरी एलोकेशन किया जाएगा अबाउट ₹20 लाख करोड़ एंड दिस विल बी क्लोज टू अबाउट 10% ऑफ इंडियाज GDP। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होने वाला है। 20 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे फॉर रिवाइवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर लॉकडाउन, और उसको ऑफ कोर्स नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, दैट दिस इकोनॉमिक पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ में अभी तक जो भी इनिशिएटिव ले चुकी है भारत सरकार या RBI, वो भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि अब से 20 लाख करोड़ भारत सरकार खर्च करेगी। अभी तक भी जो लॉकडाउन के टाइम में अभी भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं भारत सरकार ने, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाया, उसके अलावा RBI ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो सब कुछ इस इनिशिएटिव, इस आत्मनिर्भर भारत अभियान इनिशिएटिव के अंदर आएगा और उन सबको मिला करके 20 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में 20 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा, कुछ एक पैसा अभी ऑलरेडी खर्च किया जा चुका है। सो यहाँ इस स्नैपशॉट की मदद से जरा सा समझते द मैथ्स ऑफ 20 लाख करोड़ पैकेज। तो ऑलरेडी कुछ खर्चे किए जा चुके हैं, मॉनेटरी स्टिमुलस दिया जा चुका है, फिस्कल स्टिमुलस ऑलरेडी दिया जा चुका है। मॉनेटरी स्टिमुलस मतलब वो पैसा जो RBI खर्च कर रही है, और फिस्कल स्टिमुलस मतलब वो पैसा जो भारत सरकार खर्च कर रही है। तो मॉनेटरी स्टिमुलस जरा सा देखते हैं। ऑलरेडी February 6 को RBI ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया था, लिक्विडिटी इंजेक्शन थ्रू RBI मेजर, जिसमें 2.8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी। उसके अलावा March 27 को अगेन RBI केम आउट विद सम लिक्विडिटी इंजेक्शन प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने 3.74 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात की थी। तो ये तो ऑलरेडी RBI कर चुका है, ये डिटेल्स में, जैसे कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस ऑफ 1 लाख करोड़, कट CRR, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 28 मार्च। तो ये सारी इनिशिएटिव्स RBI ऑलरेडी लेकर के आ चुकी है, ये सब मेजर पैकेजेस 2.8 लाख करोड़ का, 3.74 लाख करोड़ का ऑलरेडी कर चुकी है। फिर 17 अप्रैल को वापस से RBI अगला इनिशिएटिव लेकर के आई, जिसमें उसने लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शन अलाउ किया फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक, SIDBI एंड NABARD, ये भी हमने डिस्कस किया था अपने 18 अप्रैल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। फिर 27 अप्रैल को वापस से RBI लेकर के आई थी एक फिस्कल मॉनेटरी स्टिमुलस पॉलिसी फॉर म्यूचुअल फंड्स, इसको भी हमने डिस्कस किया था अपने 28 अप्रैल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो ये सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी RBI ला चुकी है। और उसके अलावा भारत सरकार, आपको पता है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ऑलरेडी चलाया था, जिसमें 1.7 लाख करोड़ का फिस्कल पैकेज अनाउंस किया गया था। सो टोटल अभी तक 9.74 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट या इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है, इनिशिएटिव्स लाया जा चुका है। सो जो बचा हुआ पैसा है वो 10.26 लाख करोड़ से है। तो आने वाले टाइम में अंडर दिस आत्मनिर्भर भारत अभियान इनिशिएटिव 10.26 लाख करोड़ और खर्च किए जाएंगे, और ये जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं दे ऑल कम अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान।
बाकी सारे कंट्रीज़, चूँकि दुनिया भर में अभी तक स्लोडाउन चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो दुनिया के तमाम कंट्रीज इस तरह के स्टेप्स लेकर के आ रही हैं जहाँ पे वो फिस्कल या मॉनेटरी स्टिमुलस दे रहे हैं। तो एक बार जरा सा फिगर्स देखते हैं, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है एज़ फार एज स्टिमुलस ऑफ परसेंटेज ऑफ GDP इज़ कंसर्न। जापान अपने GDP का 21.1% स्टिमुलस लगा रहा है फॉर रिवाइवल ऑफ इट्स इकोनॉमी, जहाँ जबकि US 13%, स्वीडन 12%, जर्मनी 10.7, इंडिया 10। आपको सारे नंबर्स याद नहीं रखे हैं, बट जस्ट टू कीप इन माइंड दैट ऐसा नहीं है कि अकेला इंडिया इतना मेजर रिफॉर्म्स लेकर के आ रहा है टू रिवाइव इट्स इकोनॉमी। दुनिया भर की तमाम इकोनॉमीज अपने यहाँ पे मेजर रिफॉर्म्स पैकेजेस लेकर के आ रही हैं ताकि उनकी इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके, रिबूट किया जा सके आफ्टर कोविड-19। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज़ अबाउट इंडिया कॉट इन US चाइना स्पैट ओवर ताइवान स्टेटस एट WHO। तो US, सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि US और चाइना के झगड़ों में बीच में बेवजह का इंडिया फंस रहा है। तो जरा देखते हैं कि कैसे इंडिया US और चाइना के बीच के झगड़ों में फंस रहा है। दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। जरा न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं पहले। It says that India is about to get chairmanship of executive body of WHO. और अब US और चाइना दोनों के तरफ से प्रेशर आ रहा है इंडिया के ऊपर। एक तरफ US प्रेशराइज़ कर रहा है इंडिया को, चूँकि इंडिया को अब चेयरमैनशिप मिलने वाली एग्जीक्यूटिव बॉडी को, तो US प्रेशराइज़ कर रहा है कि ताइवान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाए इन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जबकि दूसरे तरफ चाइना इसको अपोज कर रहा है। एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज कॉट इन दिस US चाइना स्पैट। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल को डिटेल में एनालाइज करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कई दफ़ा हम इनको डिस्कस कर चुके हैं इस एजेंसी को, एक बार ब्रीफली जरा सा देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज यू ऑल नो इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसको 1948 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा पूरे दुनिया भर में हेल्थ से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन सेटअप करना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है अमंगस्ट वर्ल्ड कंट्रीज। दुनिया भर की सरकारों के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सेटअप किया जा सके ताकि दुनिया भर में हेल्थ, लोगों के हेल्थ को बेटर बनाया जा सके, दुनिया भर में कोई इस तरह का आउटब्रेक ना हो जिस तरह का अभी हम देख रहे हैं। इन सबको रोकना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लाना, हेल्थ के फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करना, ये सब काम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। अब इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जरा सा समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो देखो, एक इसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड होती है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में दुनिया भर के 34 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो इस तरह की मीटिंग होती है जिसमें दुनिया भर के 34 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है 3 सालों के लिए। जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स होते हैं, आपको पता है 194 मेंबर्स होते हैं, उनमें से 3 साल के लिए 34 कंट्रीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, और फिर 3 साल बाद अगले 34 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, और उन 34 में से एक कंट्री को चेयरमैनशिप दी जाती है ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO। और इंडिया को इस साल एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO की चेयरमैनशिप मिलने वाली है इन द मंथ ऑफ मे। अब जरा सा फंक्शन समझते हैं इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO का क्या होता है। इट डिसाइड्स एजेंडाज टू बी टेकन अप बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है WHO का, ये एजेंडा सेट करता है कि भैया क्या क्या हमें आप एरियाज ऑफ कोऑपरेशन लेने हैं, किन किन फील्ड्स में काम करना है इन कमिंग ईयर, और ये एजेंडा बना करके देता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में दुनिया भर के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन के, वो सारे के सारे कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में हिस्सा लेते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो भी एजेंडा एग्जीक्यूटिव बोर्ड सेट करके देता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को, उस पर डिस्कशन होता है, और उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट सेटअप किया जाता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट लिए जाने हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे इस साल काम करना है। फॉर एग्जांपल, एग्जीक्यूटिव बोर्ड एजेंडा सेट करके दे देगा कि अफ्रीका के अंदर माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम ज़्यादा है, उस एजेंडा पे डिस्कशन किया जाए। उसके अलावा ये एजेंडा सेट करके दे देगा कि साउथ एशिया के अंदर इम्यूनाइजेशन लेवल लो है, चाइल्ड मोर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है, तो उस एजेंडा पे डिस्कशन किया जाए। तो उस एजेंडा पे डिस्कशन करके वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अलग अलग प्रोजेक्ट सेट करेगा कि माल न्यूट्रिशन को कर्ब करने के लिए हमें अफ्रीका के अंदर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाना है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए हमें साउथ एशिया में ये स्कीम को लेकर के आना है। तो इस तरीके से ये लोग
एजेंडा के बेसिस पे, जो एजेंडा इनको एग्जीक्यूटिव बोर्ड देता है उसके बेसिस पे ये लोग प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का ये भी काम होता है कि WHO के डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करना थ्रू वोटिंग। तो ये जब प्रोजेक्ट सेट कर देते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को फिर लेकर के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करता है दुनिया भर के अलग अलग जगहों पे। तो इस तरीके से ये है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो सबसे पहले एजेंडा सेट करती है, जिस एजेंडा के बेसिस पे फिर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन होने वाला है इंडिया फॉर कमिंग 3 ईयर्स। और अब दोनों साइड से चाइना और US दोनों ही इंडिया को प्रेशराइज कर रहे हैं टू रिगार्डिंग ताइवान। तो जरा सा देखते हैं कि आखिर US क्या चाहता है, व्हाट द US वांट्स। द US वांट्स ताइवान टू गेट इंक्लूडेड एज एन ऑब्जर्वर इन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो ये जो बीच वाला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, यहाँ पे US चाहता है कि ताइवान को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए एज एन ऑब्जर्वर। अभी ताइवान को इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और US ने इस पर्पज से कि ताइवान को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए इन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उस पर्पज से US के सीनेट ने ऑलरेडी एक कानून भी पास कर दिया है, जिस कानून के हिसाब से नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू असिस्ट ताइवान टू गेन ऑब्जर्वर स्टेटस इन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो US इतना अग्रेसिव स्टैंड लेके चल रहा है कि वो ताइवान को तो रिप्रेजेंटेशन दिला के रहेगा इन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। दूसरी तरफ चाइना स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर रहा है ताइवान्स इंक्लूजन इन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। चाइना साफ साफ कह रहा है कि ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इंक्लूड करने का मतलब है अटैकिंग सोवरेनिटी ऑफ चाइना, इट मींस दैट अटैक ऑन वन चाइना प्रिंसिपल। तो अब जरा सा समझते हैं कि आखिर चाइना को ताइवान से इतना बड़ा इशू है क्यों, एंड व्हाट इज दिस वन चाइना प्रिंसिपल। सो इसको समझने के लिए हमें चाइना की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देखनी होगी और चाइना और ताइवान के बीच का इंटरनल कन्फ्लिक्ट समझना होगा। तो देखो, चाइना के अंदर 1927 से लेकर के 1949 तक, यानी कि टोटल 22 ईयर्स तक एक सिविल वॉर, इंटरनल वॉर चलता रहा, जहां पे चाइना के लोग दो मेन पार्टीज़ में डिवाइड हो गए थे। एक पार्टी थी जिसका नाम था क्यूमिंगतांग और दूसरी पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और ये दोनों जो पार्टी हैं और उसके जो सपोर्टर्स हैं चाइना के अंदर, वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वायलेंट तरीके से लड़ते रहे फॉर 22 ईयर्स, फ्रॉम 1927 टू 1949। और जो क्यूमिंगतांग पार्टी थी, इसके लीडर थे चियांग की शेक, और ये पार्टी चाहती थी कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप किया जाए। और ये लोग चाइना को एक नाम से बुलाते थे जिसको वो कहते थे रिपब्लिक ऑफ चाइना, दे कॉल्ड चाइना एज रिपब्लिक ऑफ चाइना। जबकि जो दूसरी पार्टी थी जो क्यूमिंगतांग के अगेंस्ट लड़ रही थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और इसके लीडर थे माओ ज़ेदांग, और वो चाहते थे कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सेटअप किया जाए। ही वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और वो चाइना को कहते थे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दोनों अपने ही देश को अलग अलग नाम से भी बुलाते थे, रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये एक तरफ माओ ज़ेदांग जिनकी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और वो चाहते हैं कि चाइना के अंदर कम्युनिज्म स्प्रेड किया जाए और चाइना का नाम रखा जाए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और दूसरा तरफ है चियांग की शेक जो चाहते हैं कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी सेटअप किया जाए, और वो चाइना का नाम रखना चाहते थे रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये सिविल वॉर 22 सालों तक चलता रहा। फाइनली ये सिविल वॉर 1949 में जाके ख़त्म हुआ, और इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी दैट इमर्ज विक्टोरियस। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जीत गई अंडर माओ ज़ेदांग, और उसने 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट रूल सेटअप कर दिया चाइना के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अंडर माओ ज़ेदांग, उसका पर्पस ही था कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रूल को सेटअप किया जाए, तो उन्होंने चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रूल को सेटअप कर दिया। और ये जो चियांग की शेक थे जो रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाना चाहते थे, जो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे चाइना के अंदर, वो हार गए, और वो अपनी क्यूमिंगतांग पार्टी के सपोर्टर्स के साथ चाइना के मेनलैंड के पास ही एक छोटा सा आइलैंड है, ये है छोटा सा आइलैंड जिसको फार्मोसा आइलैंड भी कहते हैं, उस फार्मोसा आइलैंड्स पे अपने सपोर्टर्स के साथ वो जाकर के सेटल हो गए। ये बीच में जो स्ट्रेट है इसको ताइवान स्ट्रेट भी कहते हैं, ताइवान चैनल कहते हैं। तो वो अपने सपोर्टर्स के साथ जाकर के इस फार्मोसा आइलैंड पे जाकर के सेटअप हो गए, और उन्होंने यहाँ पे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, और उन्होंने यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनाई उसका नाम रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इस हिसाब से मेनलैंड पे हो गया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर माओ ज़ेदांग, और इस फार्मोसा आइलैंड पे
हो गया रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको ताइवान भी कहते हैं, अंडर चियांग की शेक. एंड इन दिस वे नाउ वी हैड टू चाइनाज, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन द मेनलैंड वाइल रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन द फार्मोसा आइलैंड दैट इज ऑल्सो नोन एज ताइवान. अब रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले आज तक कहते हैं, ये ताइवान कहते हैं, दैट दे आर ओरिजिनल चाइना. और वो कहते हैं दुनिया भर की कंट्रीज़ को कि दुनिया भर की कंट्रीज उसकी मदद करे ताकि वो जो मेनलैंड चाइना है उसको अक्वायर कर सके, क्योंकि दे बिलीव, दे क्लेम दैट दे आर रियल चाइना. और ये लोग जो हैं कम्युनिस्ट लोग, उन्होंने फोर्सफुल तरीके से, वायलेंट तरीके से इस मेनलैंड पे कब्जा कर रखा है. सो रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान अपने आप को ओरिजिनल चाइना कहता है, जबकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो मेनलैंड चाइना, ऑफकोर्स वो अपने आप को ओरिजिनल चाइना कहता है. और वो कहता है उसकी एक फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज नोन एज वन चाइना प्रिंसिपल. ये जो मेनलैंड चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसकी एक फॉरेन पॉलिसी है वन चाइना प्रिंसिपल, जिसके हिसाब से दुनिया में बस एक ही चाइना है. और दुनिया की कोई भी कंट्री अगर इस ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेगी, फॉर्मली रिकॉग्नाइज करेगी, तो ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उस कंट्री के साथ अपने फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं रखेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ वन चाइना प्रिंसिपल. दुनिया भर में बस एक चाइना है, और इस वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ये जो मेनलैंड चाइना है या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो इस ताइवान को दुनिया भर के किसी भी इंटरनेशनल फोरम में मेंबरशिप लेने नहीं देता है. यूनाइटेड नेशन के अंदर भी ताइवान को मेंबरशिप नहीं है ताइवान को, क्योंकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हमेशा से ब्लॉक कर देता है फ्रॉम गेटिंग ए मेंबरशिप. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कहना है कि ये कोई इंडिपेंडेंट कंट्री है ही नहीं, देयर इज जस्ट वन चाइना, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. तो इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप नहीं दिया जा सकता. और वैसी तरह की एक अभी भी डिबेट चल रही है, उसी तरह का एक अभी भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ पे ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कह रहा है कि ताइवान को अलग से मेंबरशिप नहीं दिया जा सकता वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट सेपरेट कंट्री, देयर इज जस्ट वन चाइना, दैट इज़ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और मेनलैंड चाइना. तो जरा सा देखते हैं कि आखिर इंडिया का क्या स्टैंड रहता है ताइवान के प्रति. सो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इंडिया डज नॉट मेंटेन ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ताइवान. हम ताइवान को ऑफिशियली आइडेंटिफाई नहीं करते, क्योंकि अगर हमने ताइवान को ऑफिशियली आइडेंटिफाई किया, ऑफिशियली आइडेंटिफाई करने का मतलब कि हम अपनी एम्बेसी जाकर के ताइवान के अंदर बनाएं और ताइवान की एम्बेसी इंडिया में बनने दें, तब बोला जाता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल रिलेशनशिप है. हम इस तरह का डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल रिलेशनशिप ताइवान के साथ नहीं मेंटेन करते, क्योंकि द मोमेंट वी एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ताइवान, आवर रिलेशनशिप विद चाइना विल गेट स्ट्रेंड. लेकिन हमारा डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल रिलेशन तो ताइवान के साथ नहीं है, बट वी हैव इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लिंक विद ताइवान, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट विद ताइवान. तो ताइवान के साथ बहुत सारा हमारा ट्रेड जरूर होता है, कई सारी चीज़ें हम लोग ताइवान से, कई सारे मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम ताइवान से ज़रूर खरीदते हैं. इनफैक्ट अमेरिका भी ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है. लेकिन हाल फिलहाल में इससे रिलेटेड कुछ डिबेट जरूर हुए थे, जहां पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार धमकी दी थी चाइना को दैट यूएस में रिवर्स इट्स वन चाइना पॉलिसी. मतलब दूसरे शब्दों में एक इनडायरेक्ट थ्रेट दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि हो सकता है कि यूएस अब ताइवान को भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. बट बस वो एक थ्रेट था, उससे ज़्यादा उस डायरेक्शन में कोई स्टेप लिया नहीं यूएस ने. दुनिया में मात्र 15 ऐसे कंट्री हैं जो ताइवान को ऑफिशियली रियल चाइना की तरह आइडेंटिफाई करती हैं. दैट ऑफ कोर्स मींस दैट दे डू नॉट ऑफिशियली हैव रिलेशनशिप विथ दिस मेनलैंड चाइना या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. बट वो सारी छोटी कंट्रीज हैं, जैसे कि बेलीज, ग्वाटेमाला, हाइटी, ये सारे नाम आपको याद भी नहीं करने हैं. लेकिन ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो ब्लू कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है. दीज आर ओनली 15 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु ऑफिशियली रिकोगनाइज ताइवान एज रियल चाइना, एंड दैट मीन्स दे डू नॉट रिकोगनाइज दिस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एज रियल चाइना, एंड दे डू नॉट मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विथ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. हाल फिलहाल में चाइना और ताइवान के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट हुआ था उसको भी जरा सा देखते हैं. सबसे पहले अगर किसी कंट्री ने दुनिया भर को वार्न करने की कोशिश की थी अबाउट दिस कोविड-19, तो वो था ताइवान. ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने 31 दिसंबर 2019 को ही दुनिया भर को वार्न किया था कि एक मेजर एपिडेमिक आउटब्रेक स्टार्ट हुआ है चाइना के अंदर, दैट इज़ हैविंग ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, और इस पर दुनिया भर की कंट्रीज़ को मिल करके अभी जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए. लेकिन उस टाइम में WHO ने ताइवान के इस वार्निंग को
इग्नोर कर दिया था। उसने कहा था दैट देयर इज नो क्लियर कट इंडिकेशन अबाउट कोरोना वायरस स्प्रेडिंग थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस न्यूज़ आर्टिकल का हमने स्नैपशॉट भी लगा रखा है। WHO इग्नोर्स ताइवान्स वार्निंग अबाउट कोरोना वायरस इन दिसंबर। तो जब ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस तरह का मैटर रेज किया था तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने उनके अगेंस्ट भी एक्यूजिशन लगाए थे कि अननेसेसरी ताइवान चाइना की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। अगर उस टाइम में ताइवान की वार्निंग को सीरियसली लिया गया होता तो शायद से COVID-19 के आउटब्रेक को बहुत हद तक बहुत कम लेवल पे ही कर्व किया जा सका होता। अब इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल को कैसे हम अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं जरा सा ये भी देखते हैं। यूज दिस आर्टिकल एज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल फोरम, हाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये देखो इंडिया को अभी मिली है चेयरमैनशिप, अब उसके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बना रहे हैं US और चाइना। वो दोनों अपने बीच के कन्फ्लिक्ट को लेकर के जा रहे हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे और इंटरनेशनल फोरम्स को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं टू अगेंस्ट ईच अदर। तो इस तरीके से ये जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं दे आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स और वो इनइफेक्टिव हो रहे हैं और वो अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट इज़ अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट रिलीज टू 14 स्टेट्स, आसाम गेट्स ₹631 करोड़। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सो इस आर्टिकल को समझने के लिए ब्रीफली जरा सा हम फाइनेंस कमीशन को डिस्कस कर लेते हैं। कई दफ़ा हम देख चुके हैं, अगेन लेट अस सी ब्रीफली वंस अगेन कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है। फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर। तो हर 5 साल पे प्रेसिडेंट को एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280। सो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इस फाइनेंस कमीशन का पर्पस क्या होता है, टू गिव फार्मूला फॉर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होता है उसमें दोनों ही तरह के फार्मूले होते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। दोनों फार्मूलों का जरा सा मतलब समझते हैं। देखो जो भी टैक्सेस स्टेट कलेक्ट करती हैं, मान लो असम सरकार ने जो भी टैक्स कलेक्ट किया वो सारा का सारा पैसा असम सरकार के पास रहेगा, लेकिन जो भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो पैसा सेंटर और स्टेट के बीच में बंटता है और जिस फॉर्मूले के बेसिस पे वो बढ़ता है वो फॉर्मूला देती है फाइनेंस कमीशन। और हर 5 साल पे फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हर जो नई फाइनेंस कमीशन होती है वो एक नया फार्मूला देती है। और जो फार्मूला में होता है वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ओवरऑल सेंटर का जो भी पैसा है वो स्टेट्स के बीच में कितना जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्टेट्स के बीच में वो पैसा आपस में कैसे बटेगा। मान लो ₹100 है सेंटर के पास, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे फाइनेंस कमीशन ने फॉर्मूला दे रखा है 42%, इसका मतलब ये है कि ₹42 आउट ऑफ 100 ₹42 विल गो टू द स्टेट्स। अब उस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले से पता चला कि वो ₹42 कैसे इन स्टेट्स के बीच में बटेगा, किसके पास कितना रुपया जाएगा, ₹7 ₹6 किस तरह से स्टेट्स के बीच में वो बटेगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको और समझनी है कि एक तरीका तो सेंटर से स्टेट के पास पैसा आने का तरीका ये है जो मैंने आपको बताया अंडर आर्टिकल 280, शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये है पहला तरीका कि सेंटर का जो भी टैक्स का कलेक्शन है उसका एक सर्टेन परसेंट सेंटर को स्टेट्स के साथ शेयर करना होता है अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन मेड बाई फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280। उसके अलावा सेंटर को कुछ एक और पैसा देना होता है स्टेट्स को, जिसको कहते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट अंडर आर्टिकल 270 और 75, और ये रिकमेंडेशन भी फाइनेंस कमीशन ही देता है। तो फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दे दिया, उसके अलावा वो रिकमेंडेशन देता है स्टैट्यूटरी ग्रांट अंडर आर्टिकल 275, जिसमें जिसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसको कहते हैं जनरल ग्रांट, और जनरल ग्रांट मतलब नीडी स्टेट्स को, जिन स्टेट्स को ज़रूरत है। देखो एक तो आपको बेसिक फार्मूले के हिसाब से पैसा मिल गया और दूसरा पैसा आपको मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ योर नीड। हो सकता है कि किसी एक स्टेट में फ्लड आ गया हो, किसी एक स्टेट में कैटेस्ट्रॉफी आ गया हो, अर्थक्वेक आ गया हो, तो उस स्टेट को कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है इस रूट के हिसाब से, इस रूट के थ्रू अंडर आर्टिकल 275, जिसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी ग्रांट। और स्टैट्यूटरी ग्रांट का दूसरा पार्ट भी होता है, दूसरा टाइप भी होता है, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी ग्रांट, जिसके अंदर
ट्राइबल लोगों के वेलफेयर के लिए पैसा दिया जाता है बाय द सेंटर टू द स्टेट्स, उन उन जगहों पे जहाँ पे ट्राइबल्स लोग रहते हैं। सो इन तरीकों से पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, पहला तो टैक्स का शेयरिंग, और उसके अलावा कुछ स्टेट्स को एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है तो उनको जनरल ग्रांट प्लस ट्राइबल्स के लिए स्पेसिफिक ग्रांट। अब जरा सा देखते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया था। 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि 41% पैसा सेंटर को स्टेट्स के साथ शेयर करना चाहिए, जो भी टैक्स कलेक्ट किया है सेंटर ने उसका 41% वो स्टेट्स के साथ शेयर करे, जबकि 1% अपने टैक्स का वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ शेयर करे। देखो जम्मू एंड कश्मीर अभी तो एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वो पिछले साल तक वो स्टेट था, तो जम्मू एंड कश्मीर इसी साल यूनियन टेरिटरी बना और उसको स्पेशल फंड की ज़रूरत है, इस कारण से उसके लिए एक अलग से रिकमेंडेशन दे दिया 15th फाइनेंस कमीशन ने कि 1% ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपस में स्टेट्स के बीच में वो पैसा कैसे बटेगा, उसके लिए भी उन्होंने अलग 6 क्राइटेरिया दे दिए हैं, जैसे कि टैक्स एफर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें क्राइटेरियाज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 3rd March 2020, तो आप एक बार जाकर के वहाँ देख सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन। तो ये क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे 15th फाइनेंस कमीशन ने हॉरिजॉन्टल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का रिकमेंडेशन दिया है। यहाँ पे 14th और 15th फाइनेंस कमीशन के बीच के डिफरेंसेज भी हमने रिप्रेजेंट किए हैं, 6 क्राइटेरियाज, उन सब पे क्या क्या उनको वेटेज दिया गया है वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दिए थे, जैसे कि 11th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था 29.5% शेयर होना चाहिए, देन 12th ने शेयर बोला था 30.5, देन 13th ने बोला था 32, देन 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि 42% शेयर होना चाहिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 41% शेयर होना चाहिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो एक बार जरा सा फिर से देखते हैं, अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन, जैसा कि मैंने आपको बताया सेंटर से स्टेट को पैसा दो तरीके से जा सकता है, एक तो आर्टिकल 280 के हिसाब से, जब सेंटर का जो टैक्स है उसका एक सर्टेन परसेंट स्टेट को दिया जाना चाहिए, तो आर्टिकल 280 के हिसाब से 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 42% पैसा सेंटर का स्टेट्स को जाना चाहिए, 42% में से 41% फॉर द स्टेट्स वाइल 1% फॉर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरीके से सेंटर का टैक्स का पैसा स्टेट को के साथ शेयर किया जाएगा, जबकि 58 रुपीस सेंटर के साथ रहेगा, और उस 58 रुपीस को अब में से कुछ एक पैसा सेंटर स्टेट को देगा फॉर द स्पेशल रिक्वायरमेंट। कुछ एक स्टेट जिनकी स्पेशल जरूरत होगी अंडर आर्टिकल 275 स्टैचूटरी ग्रांट, उनको दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूट जिसको स्टैचूटरी ग्रांट कहते हैं। और 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से ये जो नीडी स्टेट्स हैं उनको टोटल ₹74,340 करोड़ दिया जाना है इन फिस्कल ईयर 2020-21, और नीडी स्टेट्स को 14 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया है फाइनेंस कमीशन ने एज नीडी स्टेट्स की इनको स्पेशल ज़रूरत है, और उन नीडी स्टेट्स जो हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल, केरला, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। आप 14 के 14 नाम याद ना रख पाओ तो कोई बात नहीं, बट इतना याद रखो कि असम भी नीडी स्टेट के अंदर है, यानी कि असम को जो डायरेक्ट टैक्स डिवोल्यूशन है वो तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा जनरल ग्रांट अंडर आर्टिकल 275 भी मिलता है बिकॉज असम हैज़ बीन कैटेगराइज एज नीडी स्टेट। तो ये जो पैसा आएगा 2020-21 में ₹74,340 करोड़, 14 नीडी स्टेट्स को, उसमें से कुछ एक पैसा असम के पास भी आएगा, और ये जो पैसा आएगा 74,340 करोड़ से ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आने वाला है, यानी कि एक बार में नहीं आएगा, पूरे साल भर के लिए तो 12 महीने में हर महीने इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में आएगा ये, तो हर महीने का इंस्टॉलमेंट निकल के आता है 6,195 करोड़, और वही न्यूज़ आर्टिकल है। आप जरा सा समझते हैं कि ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है, जरा से इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। द सेंटर ऑन थर्सडे रिलीज ₹6,195 करोड़ टू 14 स्टेट्स एज सेकेंड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो जो दूसरा इस साल का दूसरा मंथ है ये, पहला मंथ है इस फिस्कल ईयर का अप्रैल, उसका ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट आ चुका है, मई है दूसरा मंथ, और उसका इंस्टॉलमेंट भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन 14 नीडी स्टेट्स के साथ शेयर किया है, और उस इंस्टॉलमेंट का फिगर है 6,195 करोड़, और उसमें से असम का शेयर बनता है 631 करोड़। सो आउट ऑफ टोटल 6,195 करोड़ गिवन टू 14 नीडी स्टेट्स, असम गॉट ₹631 करोड़ एज स्टैचूटरी ग्रांट।
तो ये डिवोल्यूशन जो आसाम को मिलना था वो तो मिला ही, सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टैक्सेस। उसके अलावा जनरल ग्रांट में आसाम को हर महीने 631 करोड़ मिलेगा अंडर स्टैचूटरी ग्रांट आर्टिकल 275। इन आवर क्वेरी सेगमेंट टुडे वी विल डिस्कस वाई 2K बग प्रॉब्लम। तो जरा सा पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर उठाएं क्यों। तो कल जब प्रधानमंत्री मोदी वॉज एड्रेसिंग द नेशन, वहाँ पे उन्होंने वाई 2K प्रॉब्लम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैसे इस प्रॉब्लम को भी, इस क्राइसिस को भी इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया, और वैसे ही हमें ये जो कोविड का क्राइसिस है इसको भी अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करना है। तो जरा सा समझते हैं कि ये Y2K क्राइसिस या Y2K प्रॉब्लम आखिर था क्या। सो देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग ये मोस्टली 1960s में स्टार्ट हुई, और जब ये 1960s में स्टार्ट हुई तो जो ईयर का डेटिंग का सिस्टम था, कैसे ईयर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसमें वो सिर्फ सेकंड लास्ट जो 2 डिजिट्स होते थे उसको चेंज करने का उन्होंने सिस्टम बनाया था। जो फर्स्ट 2 डिजिट थे उनको उन्होंने फिक्स कर दिया था 19। इसको जरा सा फिगर की मदद से समझो। जब प्रोग्रामिंग शुरू हुई 1960s में, तो डेट देने के लिए ईयर का उन्होंने जो पहला 2 लेटर था उसको फिक्स कर दिया 19, क्योंकि 1990s में ही चल रहा था, 1960s में आराम से ये काम चल रहा था। और इन्होंने सिर्फ ये जो बाकी के जो 2 लेटर्स थे, 1s और 2s, 10s लेवल पे जो लेटर्स थे उनको चेंज करने का प्रोविजन बनाया। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामिंग के अंदर ये फिक्स कर दिया और ये चेंजेबल बनाया। तो 1997 में इस तरह से डेट था, फिर 1998 में एक साल बाद इस तरह से डेट हुआ, ये दोनों फिक्स रहे, ये बदला, फिर 1999 में ये फिक्स रहे, ये बदला। अब हुआ क्या कि जब ये नया मिलेनियम आया, तो जब डेट बदला पूरे दुनिया भर में और हम 2000 में इंटर हुए, तो पूरे दुनिया भर के लिए तो हम इंटर हुए 2000 में, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हिसाब से हम वापस से चले गए 1900 में, हम 100 साल पीछे चले गए कंप्यूटर डेट के हिसाब से। पूरे दुनिया का डेट था 1 जनवरी 2000, लेकिन कंप्यूटर्स में डेट दिखा रहे थे 1 जनवरी 1900, क्योंकि ये पहला 2 लेटर तो फिक्स था और ये 99 के बाद ये 00 हो गया और ये 19 ही रह गया। तो फ्रॉम 31st December 1999 के बाद कंप्यूटर्स के डेट में हम लोग पहुंच गए सीधा 1 जनवरी 1900, एंड दैट इज नोन एज Y2K बग प्रॉब्लम। दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज। तो तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं, उन सबको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस। बैंक्स हो, पावर प्लांट्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सबको प्रॉब्लम्स हो रही थी। फॉर एग्जांपल बैंक्स का ही प्रॉब्लम आप देख लो, अभी 31st दिसंबर को 1999 के बाद 1 जनवरी आ गई 2000, लेकिन बैंक्स के सिस्टम के हिसाब से, सॉफ्टवेयर्स के हिसाब से वो डेट थी 1 जनवरी 1900। तो एक दिन का इंटरेस्ट, यानी कि 31st दिसंबर का इंटरेस्ट बैंक ने 1000 साल का लगाया, 1900 से 2000 तक का लगाया। उस एक दिन को बैंक से सॉफ्टवेयर 1000 साल की तरह काउंट कर रहे थे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। तो इस तरीके से सारे ही सेक्टर्स में जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही थी प्रॉब्लम्स हो रही थी, और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया भारत ने और इंडिया के सॉफ्टवेयर फील्ड के एक्सपर्ट्स ने। इंडिया के प्लानिंग कमीशन ने एक स्पेशल टीम बनाई थी, उसके अलावा रिजर्व बैंक ने भी एक स्पेशल टीम बनाई थी फॉर सॉफ्टवेयर ऑफ बैंकिंग, और इनको मिल करके हमने ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया था, जिससे हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा हुआ था। और इसी का जिक्र किया था प्रधानमंत्री मोदी ने कल के अपने स्पीच में, जब उन्होंने बताया था कि हाउ इंडिया फिक्स्ड Y2K क्राइसिस एंड सीज द क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी, वैसे ही हमें इस COVID-19 के क्राइसिस को भी अपॉर्चुनिटी की तरह सीज करना है। इन आवर सेगमेंट 400 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2020, टुडे विल कवर टॉपिक नंबर 311 to 315। टॉपिक नंबर 311 इज धनुष आर्टिलरी गन। धनुष आर्टिलरी गन इज द फर्स्ट इंडिजिनस आर्टिलरी गन ऑफ इंडिया। इट इज डेवलप्ड बाई ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता एंड इज रेफर्ड एज देसी बोफोर्स। इट इज द फर्स्ट लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया विथ रेंज ऑफ 38 किलोमीटर। इट इज इक्विप्ड विथ नेविगेशन बेस्ड साइटिंग सिस्टम एंड नाइट डायरेक्ट फायरिंग सिस्टम। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। टॉपिक नंबर 312 इज अबाउट सुमात्रन राइनो स्पीसीज। द सुमात्रन राइनो इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल राइनो स्पीसीज। इट इज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन IUCN रेड डेटा बुक।
The Sumatra rhino has become extinct in Malaysia after death of the last rhino in the country. इस कारण से ये न्यूज में था एंड दैट इज वाई वी एक्सपेक्ट इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. टॉपिक नंबर 313 इज अबाउट रिवर्स और निगेटिव कंसेंसस एट WTO. तो आप सबको पता है कि WTO इंटरनेशनल नॉर्म सेट करता है रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, और कोई भी कंट्री अगर उस इंटरनेशनल नॉर्म को ब्रेक करता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन को ब्रेक करता है रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, तो WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में कंप्लेन किया जा सकता है. और जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेक्स डिसीजन ऑन द ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट्स दैट आर एडजुडिकेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस. इट डिसीजंस जनरली मैच टू दोज ऑफ डिस्प्यूट पैनल. अब जरा सा समझते हैं कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड के अंदर ये रिवर्स या निगेटिव कंसेंसस क्या होता है. सो द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में डायरेक्ट द लूजिंग मेंबर टू टेक एक्शन टू ब्रिंग इट्स लॉज रेगुलेशंस और पॉलिसीज इन टू कन्फर्मिटी विथ WTO अग्रीमेंट. तो जो भी देश जो हार जाएगा इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के अंदर, उस देश को बोला जाएगा कि आप अपने यहाँ जो भी आपके लोकल लॉज हैं उसको WTO प्रिंसिपल्स के हिसाब से चेंज करें. एंड दिस इज द ओनली डायरेक्शन दैट इमर्जेस फ्रॉम WTO डिस्प्यूट. देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट और इवन रेस्टिट्यूशंस. दस द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी विल गिव द लूजिंग पार्टी अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम इन विच टू रिस्टोर द कन्फर्मिटी ऑफ इट्स लॉज. इसी को कहते हैं रिवर्स या निगेटिव कंसेंसस. आपको अपने लॉ को WTO के हिसाब से, उसके प्रोविजंस के हिसाब से चेंज कर देना है. इसको कहते हैं रिवर्स या निगेटिव कंसेंसस. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. टॉपिक नंबर 314 इज अबाउट क्लॉबैक प्रोविजन. द क्लॉबैक प्रोविजन इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज टिपिकली इंक्लूडेड इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बाय फाइनेंशियल फर्म्स बाय विच मनी ऑलरेडी पेड टू एन एम्प्लॉय मस्ट बी पेड बैक टू द एम्प्लॉयर अंडर सर्टेन कंडीशन. तो मान लो मुझे किसी कंपनी ने हायर किया, मैं किसी कंपनी ABC के लिए काम कर रहा हूँ. क्लॉबैक प्रोविजन के हिसाब से जो मेरी सैलरी है वो कंपनी वापस से मुझसे छीन सकती है अगर मैंने कुछ गलती की तो. दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉबैक प्रोविजन. और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि RBI ने हाल फिलहाल में कुछ प्राइवेट बैंक्स को और फॉरेन बैंक्स को डायरेक्शन दिया है कि वो क्लॉबैक प्रोविजन का इस्तेमाल करके वो सारे CEOs जिन्होंने कुछ करप्शन करके और उन बैंक्स का NPA बढ़ाया है, उस NPA को कम किया जाए बाय यूजिंग क्लॉबैक प्रोविजन. तो क्लॉबैक प्रोविजन लगा के वो बैंक उन सारे CEOs का एक साल का पूरा सैलरी वापस ले ले और उसका इस्तेमाल करे टू रिड्यूस द NPA जो कि इन CEOs ने अपने करप्शन के कारण बढ़ाया है. दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉबैक प्रोविजन. और हाल फिलहाल में RBI ने यह डायरेक्टिव दिया है, इस कारण से ये न्यूज में है. सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. टॉपिक नंबर 315 इज अबाउट गैम्बिया फाइलिंग अ केस अगेंस्ट म्यांमार इन ICJ. सो गैम्बिया फाइल्ड अ केस इन ICJ टू फाइंड म्यांमार गिल्टी ऑफ कमिटिंग जीनोसाइड और फेलिंग टू प्रिवेंट एंड पनिशिंग जीनोसाइड. गैम्बियाज रिक्वेस्ट Asks the International Court of Justice to demand that Myanmar seizes genocidal acts, provides reparation and punishes the perpetrators, including the senior government officials and military officers. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 306 to 310 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, that is question number 311 to 315, can be attempted by students and you can share the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.